हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससीबी हेल्प पे। आज हम लोग वापस से आपके अंग्रेज़ी के जो पोएट्री का चौथा अध्याय है उसके प्रश्नोत्तर को करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। कविता का नाम एक बार फिर से आपको बता दूं, कविता का नाम है थिनर दैन ए क्रिसेंट। क्रिसेंट का अर्थ मैंने फिर से बताया था आपको कि क्रिसेंट का अर्थ होता है चाँद का नया रूप, जो अमावस्या के बाद जो नया चाँद निकलता है, जैसे ईद का चाँद होता है वैसे ही उसे क्रिसेंट कहा जाता है, उस नए चांद को। ये कविता विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई थी। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, थिनर देन ए क्रिसेंट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। थिनर देन ए क्रिसेंट जो कविता है ये किसके द्वारा की गई रचना है? और ये प्रश्न बच्चों 2019 की वार्षिक परीक्षा में आया हुआ है। तो इसका उत्तर है विद्यापति जी ने इसे लिखा है, जो कि 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, वेयर वॉज विद्यापति बॉर्न, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर बुक के स्पेलिंग के हिसाब से बिसापी BISAPI है, लेकिन जो मैंने गूगल करके देखा और जो जानकारी मैंने इकट्ठा की उसके हिसाब से इसका जो स्पेलिंग है विस्पी है, BISFI। ठीक है, तो आप BISAPI वाला जो बुक का आंसर है उसी को देखेंगे और ये भी लिख लेंगे आप, जो कि मधुबनी बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑफ विच लैंग्वेज ही वाज चीफली ए पोइट, मुख्यतः वह किस भाषा के कवि हैं? वे जो हैं विद्यापति जी, मुख्यतः वो किस भाषा के कवि हैं? तो उत्तर है मैथिली एंड संस्कृत, मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा कि वो कवि हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राकृत भाषा जो है, जो पुराने समय से चली आ रही है, उस भाषा का भी ज्ञान उन्हें था, वो उस भाषा में भी रचनाएं किया करते थे। फिर है ऑफ व्हाट विद्यापति इज़ वेल नोन, विद्यापति किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? तो उत्तर है डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, मतलब कि अलगाव के व्यथा को स्पष्ट करने में वो जाने जाते हैं। मतलब जो राधा कृष्ण के बीच के जो अलगाव थे या फिर जो बिछड़ने का जो गम होता है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं और उनके ऊपर जो है वो उसी में एक्सपर्ट हैं, उसी की वो बहुत सारी उन्होंने रचनाएं की हैं। अगला है विद्यापति इज़ ऑल्सो नोन एज, विद्यापति को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो उत्तर है मैथिल कोकिल। ठीक है, मैथिली के भाषा के कोकिल मतलब कोयल के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द इंटेंस पैशन ऑफ डेस्लव, विद्यापति का जो मुख्य रूप से ध्यान है वो कहाँ केंद्रित है, किसके प्रेम पर केंद्रित है? तो यहाँ पर है राधाज लव, राधा के प्रेम पर, राधा जो कृष्ण से प्रेम करती हैं उनके ऊपर केंद्रित है। जैसे कि कल मैंने आपको कविता में बताया था, जयदेव जी जो हैं वो राधा और कृष्ण के बीच के जो प्रेम है उस प्रेम को वो दर्शाते हैं, लेकिन विद्यापति दोनों के प्रेम के बाद जो अलगाव है, जो तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ में जो मज़ा है उसके बारे में विद्यापति जी बात करते हैं अपनी रचनाओं में। अगला है द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, ये जो कविता है थिनर देन ए क्रिसेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डैश, ये एक डैश के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है? तो उत्तर यहाँ है रिपोर्ट, रिपोर्ट के फॉर्म में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। मतलब राधा की सहेलियों ने उसको उसकी स्थिति को देखते हुए कृष्ण जी के पास जा करके ये बताया है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम, लॉर्ड कृष्णा ने डैश से कुछ समय तक मुलाकात नहीं की, किससे नहीं की? तो राधा से नहीं की। अगला प्रश्न है, ओरिजिनली विद्यापति इज़ ए डैश पोएट, मुख्यतः विद्यापति जो हैं एक डैश कवि हैं। तो उत्तर है मैथिली कवि हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं ये। ठीक है, आते हैं अगले पेज की ओर। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रश्न है कि विद्यापति फॉर्म्स पोएम्स आर अबाउट राधा एंड डैश, विद्यापति की कविताएं राधा और डैश के विषय में हैं। तो ये भी 2018 के वार्षिक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर है कृष्णा, कृष्णा के बारे में ये है, उनकी कविताएं जो है राधा और कृष्णा के बारे में है। अगला प्रश्न है, राधाज फ्रेंड गोज टू कृष्णा डैश, राधा की सहेलियाँ कृष्णा के पास कैसे गईं? तो उत्तर है रनिंग, मतलब दौड़ते हुए गई हैं। ठीक है, उनकी सूचना को लेते हुए, उनकी जानकारी को लेते हुए वो दौड़ते हुए उनके पास गई। अगला है, टू हुम राधाज फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, राधा की सहेलियों ने किसके पास रिपोर्ट दर्ज की, किसे जाकर के बताया राधा की स्थिति को?
तो उत्तर है कृष्णा के पास, कृष्णा के पास गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हु इज़ क्राइंग, कौन रो रहा था, तो उत्तर है राधा, राधा रो रही थी, कृष्ण से अलगाव के वियोग में वो रो रही थी। अगला प्रश्न है व्हाई इज़ राधा क्राइंग, राधा क्यों रो रही थी, तो इन अब्सेंस ऑफ हर बिलव्ड, अपने प्रियसे के, प्रियस के जो है गैर मौजूदगी में, अनुपस्थिति में वो रो रही थी, मतलब जिससे वो प्रेम करती हैं, प्रियतम जो हैं उनके, उनकी गैर मौजूदगी में वो रो रही थी। अगला है हाउ इज़ सी हर्ट, वो कैसे चोटिल हैं, कैसे वो तकलीफ़ में है, ये बताना है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की गैर मौजूदगी के कारण वो तकलीफ़ में है। अगला है राधाज फ्रेंड वेयर डैश अबाउट हर, तो राधाज की जो सहेलियाँ थीं वो उनके उनके डैश से चिंतित थी, तो ये सॉरी यहाँ पर उनके लिए डैश थी, तो यहाँ पर है चिंतित थी, राधाज फ्रेंड वेयर वरीड अबाउट हर, राधा की सहेलियाँ उनके लिए चिंतित थी। अगला है हु इज़ लव्ड बाय राधा, राधा के द्वारा किन्हें प्रेम किया गया, तो यहाँ है लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा मतलब कृष्ण जी को प्रेम किया गया राधा के लिए, राधा के द्वारा। अगला है व्हाट कार्व्ड ए रिवर, किसने एक नदी का रूप ले लिया, तो राधाज टीयर, राधा के आंसुओं ने एक नदी का रूप ले लिया। अगला प्रश्न है एंड शी डैश ऑन इट्स बैंक, और वह उनके किनारे पर डैश कर रही थी, तो उत्तर है ब्रूड्स, मतलब कि विचार करते, विचार मग्न थी, चिंता मग्न थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी। ठीक है, अगला है राधा इज़ बोथ हर्ट एंड डैश, राधा जो है चोटिल भी थी और डैश भी थी, तो यहाँ है कन्फ्यूज्ड, भ्रमित थी, वो भ्रमित थी किस बात को लेकर कि आखिर जो उनसे प्रेम करते हैं कृष्ण जी इतना, तो फिर वो उनसे मिलते क्यों नहीं, इस बात को लेकर वो चिंतित और भ्रमित दोनों थे। अगला हम आते देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है व्हाई डू राधाज फ्रेंड, व्हाट डू राधाज फ्रेंड बिलीव, राधा की सहेलियों को किस बात का विश्वास था, तो विश्वास यह था कि जॉय में कम अगेन, कि खुशी पुनः वापस आएगी, इस बात का राधा की सहेलियों को विश्वास था। अगला है एट टाइम्स दे डैश होप, और एक समय ऐसा है कि उन्होंने डैश, आशा को डैश किया, तो क्या किया, बैनिश मतलब खोने लगी, आशा खोने लगी, एक समय आया जब राधा की सहेलियां आशा खोने लगी, और तब वो दौड़ कर गई कृष्ण जी के पास उन्हें स्थिति बताने को। अगला प्रश्न है अनदर नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण के दूसरे नाम क्या हैं जो इस कविता में लिया गया, उसके नाम को बताना है, तो उत्तर है माधव, ऐसे कृष्ण के अनेकों नाम हैं, सैकड़ों नाम हैं, गोपाल कहें, कृष्ण कहें, कान्हा कहें, माखन चोर कहें, ऐसे बहुत सारे ही नाम हैं उनके। अगला प्रश्न है राधा ईच डे ग्रो थिनर, थिनर देन डैश इन द स्काई, राधा प्रतिदिन दुबली होती जा रही हैं, दुबली होती जा रही हैं, और किसके जैसी दुबली होती जा रही हैं, तो आसमान में जो नया चांद होता है जितना पतला होता है उसी तरह राधा भी पतली होती जा रही हैं, तो उत्तर है द क्रिसेंट, क्रिसेंट का मतलब मैंने बताया है नया चांद। इसके साथ साथ बच्चों आज मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है, तो आप उसे भी लिख लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है कि व्हाई इज़ राधिका क्राइंग, राधिका राधा जी को ही कहा जाता है, तो वो क्यों रो रही हैं, तो राधिका इज़ क्राइंग ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, राधिका कृष्ण जी से अलगाव के कारण विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। अगला प्रश्न है व्हाट टू फीलिंग्स ऑफ राधा हैव बीन रेफर्ड टू बाय हर फ्रेंड्स, राधा की किन दो फीलिंग्स को जो है उनके सहेलियों के द्वारा व्यक्त किया गया, किसके सामने व्यक्त किया गया, ये आप जान रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा के सामने, तो किन दो फीलिंग्स को व्यक्त किया गया, तो राधाज फ्रेंड रिफर्ड दीज टू फीलिंग्स ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा, राधा की सहेलियों ने ये दो फीलिंग्स जो हैं लॉर्ड कृष्णा के सामने, कृष्ण जी के सामने व्यक्त की, पहला था शी इज़ हर्ट, वह चोटिल हैं, घायल हैं, और दूसरा है सी इज़ कन्फ्यूज्ड, वह भ्रमित हैं कि आखिर आप उनसे क्यों नहीं मिल रहे। अगला प्रश्न है टू हुम डज द फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट, उनकी सहेलियों ने किनके पास जाकर रिपोर्ट किया, तो उत्तर है हर फ्रेंड्स मेक अ रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा, उनकी सहेलियों ने कृष्ण जी के पास जाकर के व्यथा बताई, रिपोर्ट की। अगला प्रश्न है व्हाट डू राधाज फ्रेंड बिलीव इन, राधा की सहेलियों को किस बात का विश्वास था, तो उत्तर है राधाज फ्रेंड बिलीव दैट जॉय ऑफ राधा में रिटर्न अगेन, राधा की सहेलियों को विश्वास था कि उसकी खुशी एक दिन अवश्य वापस आएगी। अगले भाग को हम देखते हैं।
इसमें पहला प्रश्न है कि वाई डिड राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा, राधा की सहेलियाँ दौड़कर कृष्ण जी के पास क्यों गईं? तो राधाज फ्रेंड रन टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ राधा, राधा की सहेलियाँ दौड़कर कृष्ण जी के पास उसकी दयनीय स्थिति को बताने के लिए गईं। अगला है वेयर डज राधाज फ्रेंड गो एंड वाई, राधा की सहेलियाँ कहाँ गई और क्यों गई? तो राधाज फ्रेंड गोज़ टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ राधा, तो राधा की सहेलियाँ कृष्ण जी के पास गई उनकी दयनीय स्थिति को बताने के लिए। दोनों प्रश्न लगभग सिमिलर हैं, थोड़ा सा अंतर है। अगला है वाई इज़ राधा कन्फ्यूज्ड, राधा भ्रमित क्यों है? तो उत्तर है राधा ऑफन मीट्स टू लॉर्ड कृष्णा, राधा अक्सर कृष्ण जी से मिला करती थी, बट सडनली द लॉर्ड हैज़ हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम, लेकिन अचानक से ऐसी स्थिति हुई कि कृष्ण जी के पास जो है कुछ काम आ गया, समय नहीं मिल पाया कि वो राधा जी से कुछ समय तक मिल सकें। ओवर दिस सी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द रीज़न दैट काउज हर कन्फ्यूज़न, और इसी मुद्दे को लेकर के वो परिस्थिति को समझ नहीं पाई कि आखिर क्या हो गया, कृष्ण जी उनसे क्यों नहीं मिल पाए, और वह जो है भ्रमित हो गई इस बात को लेकर। अगला प्रश्न है वाई डज़ राधा ब्रूड ओवर, राधा किस चीज़ के ऊपर लगाता है, व्हाट डज राधा ब्रूड ओवर, राधा किस चीज़ के ऊपर विचार करने लगी? तो शी इज़ अनेबल टू मीट लॉर्ड कृष्णा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वो कृष्ण जी से नहीं मिल पा रही थी, ओवर दैट शी ब्रूड, और इसी के ऊपर वो विचार करने लगी कि आखिर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। अगला प्रश्न है वाई इज राधा वीपिंग, राधा क्यों रो रही है? तो लॉर्ड कृष्णा हैज़ हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम, कृष्ण जी के पास कुछ समय के लिए अवसर नहीं था राधा से मिलने का, सो राधा इज़ वीपिंग, और इसीलिए राधा रो रही थी। अगला प्रश्न है वाई इज़ सी हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, वह चोटिल क्यों है और भ्रमित क्यों है? तो शी हर बिलव्ड लॉर्ड कृष्णा डिपार्टेड फ्रॉम हर, उनके प्रियतम जो हैं लॉर्ड कृष्णा कृष्ण जी जो हैं वह उनके पास नहीं जा रहे, उनसे दूर हैं, सो सी इज़ हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, इसीलिए वो जो है चोटिल भी हैं और भ्रमित भी हैं। अगला प्रश्न है वाई डज राधा ग्रो थिनर ईच डे, राधा प्रतिदिन दुबली क्यों होती जा रही है? तो राधा ग्रोज थिनर टू थिंक ओवर नॉट मीटिंग फ्रॉम कृष्णा फॉर सम टाइम, राधा इस चीज़ के ऊपर लगातार विचार कर रही हैं कि वो कृष्ण जी से क्यों नहीं मिल पा रही, और इसी विचार के कारण, सोच के कारण वो दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही हैं। तो आज का वीडियो बच्चों हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और आज आपने इस चैनल पर एक और वीडियो देखा है जो कि एक व्लॉग है मेरा, और उस वीडियो में मैंने आपको सुल्तानगंज के जो विश्व प्रसिद्ध अजगैवी मंदिर है उसका एक छोटा सा दृश्य दिखाया है। आप जानते हैं सुल्तानगंज में ये मेला विश्व प्रसिद्ध है, प्रतिदिन लाखों की संख्या में बोलबम कांवरियाँ जो हैं वो शिव जी का नारा लगाते हुए बोलबम बोलबम बोलते हुए यहाँ से जल उठाते हैं, उत्तरवाहिनी गंगा से जल उठाते हैं, और देवघर जा कर के बाबा वासुकीनाथ को ये जल चढ़ाते हैं। तो इस साल कोरोना महामारी के कारण ये भी बंद है, अभी तक सुल्तानगंज की सड़कें सूनी हैं और यहाँ पर कोई भी इस तरह की आवाज़, मधुर घंटियों की जो ध्वनि होती है, अगरबत्तियों की जो खुशबू होती है वो अभी सड़क पर नहीं आती, तो इस कारण से यहाँ भी सुनसान है। और जल्द ही इस तरह के और भी वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि आपको सुल्तानगंज की जो सुंदर सुंदर दृश्य, सुंदर सुंदर स्थान हैं उनके मैं दर्शन कराऊँ, और इस तरह से आप भी इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, और अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें ताकि उनके साथ जो है पढ़ाई की जा सके और वो जो है अपने पढ़ाई को, अपने कोर्स को पूरा करके परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को आप फैलाएं, जितना फैला सकते हैं फैलाएं। आप अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए धन्यवाद।